हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो रिगार्डिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो और आपको अगर ये टॉपिक नहीं पता है सो यार मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि यार यू आर ऑन द रॉक ट्रैक। मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहूँगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। सपोज मेरे पास में ये डॉग है, मेरे को ये मैंने डॉग दिया और मैंने पूछा, इसको एज ए इनपुट दिया और मैंने इससे पूछा कि क्या यार ये डॉग है या कैट है, कैटेगराइज करो। इसने इनपुट लिया, हिडन लेयर से गुजरता गया और आउटपुट में अगर इसने डॉग कहा तो ये सही है। अगर सपोज इसने कैट कहा और मेरा एक्चुअल में डॉग है तो मैं इसको कहूंगा ठीक करने के लिए, और ठीक करने के लिए ये बैक प्रोपोगेशन में जाएगा और अपने आप को ठीक करेगा। सो आज मैं इसी का इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ANN होता क्या है, कैसे ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर काम करती है, कंपेरिजन दिस विद आवर ब्रेन न्यूरोन्स, इन सब के साथ में मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसका कोडिंग वाला पार्ट करवाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। सो एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडिगम दैट इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन। ऑब्वियसली दिस इज इंस्पायर्ड बाय अवर ब्रेन। भाई साहब, ये एक न्यूरॉन है अपना अपना ब्रेन में एक न्यूरॉन है, ठीक है? तो ये देखिए, जिस तरीके से इनपुट है, यहां पर इनपुट आ रहा है, वैसे ही एक ब्रेन में भी इनपुट आ रहे हैं थ्रू डेंड्राइट्स। सो ANN लाइक पीपल लर्न बाय एग्जाम्पल। जो ANN है वो लोगों के जैसे ही है, वो एग्जाम्पल से सीखता है। एंड ANN इज कॉन्फिगर्ड फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो गया, डेटा क्लासिफिकेशन हो गया, थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस के द्वारा। लर्निंग लार्जली इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट टू द सिनेप्टिक कनेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन न्यूरॉन, ठीक है? इनके जो सिनेप्टिक जो कनेक्शंस हैं उनको एडजस्ट कर रहा है। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो वेट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो देखिए, यहाँ से इनपुट आता है X1, X2, मल्टीपल न्यूरॉन से वो इनपुट आता है थ्रू डेंड्राइट्स। दिस इज सेल बॉडी, दिस इज मेलिनेट टेड एग्जॉन, मेलिन शीट से कहते हैं, एग्जॉन टर्मिनल ये हो गया जहां से आउटपुट जाता है। तो ये इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, ठीक है? सो मैं आपको सिनेप्सिस के बारे में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि वो कैसा होता है। वो देखिए इस तरीके से है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक सिनेप्सिस होता है और इसको लगातार हम चेंज कर रहे होते हैं, वो एडजस्ट कर रहा होता है। सो लर्निंग लार्जली इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट्स टू द स्पेसिफिक कनेक्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, सो द ब्रेन कंसिस्ट सो द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। यार, हमारे ब्रेन में भी तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। These neurons are connected together by synapses. ये जो synapses यहां आपको दिख रहा है ना भैया, इसके द्वारा ये connected है, which are nothing but the connection across which a neuron can send an impulse to another neuron. एक impulse के थ्रू वो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफर करता है। When a neuron sends an excitatory signal to another neuron, then this signal will be added to all of the other inputs of that neuron. If it exceeds a given threshold, then it will cause the target neuron to fire an action signal forward. अगर ये एक्सीड कर जाता है एक एक गिवन थ्रेशोल्ड को, ये क्या करता है, ये जो टारगेट न्यूरॉन को एक फायर एक्शन सिग्नल फॉरवर्ड करता है। और इसी तरीके से दिस इज हाउ द थिंकिंग प्रोसेस वर्क इंटरनली, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, एक न्यूरॉन एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में भेज रहा होता है, ठीक है? देन जो सिग्नल होता है वो
मतलब अदर सिग्नल के लिए, न्यूरॉन के लिए इनपुट का काम करता है, और जब ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर लेता है तो वो एक एक्शन सिग्नल को फॉरवर्ड करता है, और इसी तरीके से थिंकिंग चलती रहती सो कंप्यूटर साइंस में भी वी मॉडल दिस प्रोसेस बाय क्रिएटिंग नेटवर्क्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग मैट्रिक्स। इसी तरीके से मैट्रिक्स की मदद से, भाई लीनियर मैट्रिक्स आप पढ़ लो, 10th 12th क्लास में मैट्रिक्स 3rd नंबर का चैप्टर था, बहुत लोग एकदम हलवा मानते थे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ लो, आपको कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, ये मेरा चैलेंज है। सो ये जो नेटवर्क्स है कैन बी अंडरस्टूड एज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन्स विदाउट ऑल बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी टेकन इनटू अकाउंट टू कीप थिंग्स सिंपल। हम एक मॉडल को सिंपली NN बोलेंगे, न्यूरल नेटवर्क विद टू लेयर्स कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एक लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हम सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इनपुट दे रहे हैं विद अ मल्टीपल न्यूरॉन्स, इनपुट इसके पास में आ रहा है और वो फिर बाद में एक आउटपुट जनरेट करेगा। सो लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम, हम एक प्रॉब्लम को दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ, एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है मेरे पास में। सो लेट्स से वी हैव अ प्रॉब्लम वेयर वी वांट टू प्रेडिक्ट आउटपुट गिवन अ सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स आर ट्रेनिंग एग्जांपल लाइक सो। सो ट्रेनिंग एग्जांपल क्या है, जब इनपुट 0 1 1 है तो 1 आउटपुट आएगा, 1 0 0 है तो 0 आएगा, और 1 0 1 है तो 1 आएगा। नाउ वी वांट टू प्रेडिक्ट द आउटपुट द फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट, 1 0 1 का आउटपुट क्या होगा, तो हमें देखने में पता चलता है ये 1 होगा। सो नॉट दैट द आउटपुट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्ड कॉलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट 3 इज व्हाट द आउटपुट इज इन एवरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल इन दिस फिगर। सो द टेस्ट एग्जाम्पल आउटपुट विल बी वैल्यू शुड बी 1। यहां से अपनों को देखने में ही पता चल रहा है यार, ये देखो ये सेम इसके जैसा ही, और इसका आउटपुट 1 ही आएगा। सो द ट्रेनिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, इसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो जाएगा, बैकवर्ड प्रोपगेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं मल्टीपल इनपुट दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम और रेशियो, फिर ये हो गया इनपुट लेयर, हिडन लेयर में वो प्रोसेस होगा, वेट्स के साथ में जाता है, फिर इनका क्या होता है WI XI हो जाता है, ठीक है इस तरीके से, और फिर बाद में हम उसको एक्टिवेशन फंक्शन में डालते हैं और आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आप कितने भी देख लो सब के सब एक जैसा ही सिमुलेट किया है हमने। यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये इसके साथ में हम बायस जोड़ देते हैं और ये कुछ इस तरीके से काम करता है, डेंड्राइट्स हो गया। तो इसका एक मैं सिमुलेट वो कॉरस्पॉन्डिंग वो बता देता हूँ, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो डेंड्राइट्स होता है उसे हम इनपुट्स बोलते हैं, सेल न्यूक्लियस उसे हम नोड्स बोलते हैं। ये जो हो गया सेल न्यूक्लियस, ऊपर देखे थोड़ा सा, ये यहाँ पर सेल न्यूक्लियस है, ये नोड, इसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है। और फिर सिनेप्सिस को हम वेट्स बोलते हैं, मैंने बताया था आपको सिनेप्सिस को वेट्स एक बोलते हैं, और एक्सॉन को आउटपुट। सो ये आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये डेंड्राइट्स इनपुट, ये आपका नोड, और भैया क्या है, सिनेप्सिस हो गए हमारे वेट, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दैट हो गई, ठीक है। सो मैं सबसे पहले आपको फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन, सो टेक एन इनपुट मल्टीपल बाय वेट्स, जैसे कि हमने ले लिया Y=WI, इनपुट हो गया हमारा XI, समेशन इसका, सो W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ इनपुट्स, पास द रिजल्ट थ्रू अ सिग्मॉइड फंक्शन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द न्यूरॉन आउटपुट। द सिग्मॉइड फंक्शन इज यूज टू नॉर्मलाइज द रिजल्ट बिटवीन 0 एंड 1।
सिग्मॉइड फंक्शन हम बना लिए, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है हम यहाँ पर एज ए इनपुट देंगे, तो 1+ ये हो गया सिग्मॉइड फंक्शन। तो बेसिकली क्या करता है, ये इनपुट को जो भी मतलब हमारे पास में आउटपुट आएगा इससे, उसको 0 और 1 कैटेगरी में बाइनरी फॉर्म में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसे सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड प्रोपगेशन, इस तरीके से फॉरवर्ड प्रोपगेशन लर्न करता है। अब है हमारा बैकवर्ड प्रोपगेशन। सो कैलकुलेट द एरर, हम एरर देखेंगे किसके किसके बीच में। कैलकुलेट एरर बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बिटवीन, ठीक है। जो भी एरर आएगा है ना, डिपेंडिंग ऑन द एरर एडजस्ट द वेट बाय मल्टीप्लाइंग द एरर विद द इनपुट एंड अगेन विद द ग्रेडियंट ऑफ द सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सो हमें पता है कि हम इसमें क्या करते हैं, वेट को, वेट इक्वल टू वेट प्लस एरर इनपुट आउटपुट 1 माइनस आउटपुट, है ना, वेयर आउटपुट 1 माइनस आउटपुट इज अ डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड कर्व। यहां पर जो है आउटपुट और ये जो है, ये है डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व का डेरिवेटिव है बेसिकली। यार हमें पता ही है हम क्या करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि वीजे इक्वल टू वीजे प्लस ग्रेडियंट ऑफ वीजे हम निकालते हैं, और ये जो वेट का इस तरीके से ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट में हमें पता ही है वो हम एरर को इसके साथ में इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एरर, और एरर मेरे को पता ही है ये होता है xi-x, जो भी yi बोल सकते हैं, y एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का होल स्क्वायर समेशन ओवर दी 1 से लेकर n तक, और फिर बाद में उसके हिसाब से वेट को एडजस्ट करूँगा। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में देखा ही था। सो ये कुछ कुछ 2 से 2 कट जाएगा जब ये 2 नीचे आएगा, और ये yi-y मल्टीप्लाइड बाय एट्रीब्यूट्स उसके हो गए। सो कुछ इस तरीके से काम करता है। सो रिपीट द होल प्रोसेस फॉर अ फ्यू थाउजेंड इटरेशंस, जिसे हम इपॉक बोलते हैं। सो इटरेटिवली वी नीड टू ट्रेन इट। सो वी हैव सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड हेयर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में कोड है, इसमें एक बार ये देख लीजिए, फिर बाद में मैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, फिर बाद में इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर ये कोड है मेरे पास में, इंपोर्ट की मैंने numpy, फिर बाद में मैं इससे कुछ रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिग्मोइड फंक्शन है हमारा, ये हमारा डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव है सिग्मोइड फंक्शन का, ये इपॉक तैयार कर रहा हूँ। इनपुट न्यूरल नेटवर्क कितने हैं, हिडन लेयर कितनी है उसकी, 3 हिडन लेयर्स है, 2 इनपुट न्यूरॉन्स है, 2 इनपुट न्यूरॉन्स है और 3 हिडन लेयर्स है, आउटपुट है 1, ठीक है। ये हम वेट और बायस तैयार कर रहा हूँ मैं, वेट हो गया और बायस हो गया, रैंडम वेट लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में, और बायस की वैल्यू भी एक रैंडम फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, और वेट आउटपुट और बायस आउटपुट भी इससे जनरेट करके, मतलब एक रैंडम, फिर एक इपोक के चलते मैं इसका फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूँ, फिर इसका बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूँ, और हिडन लेयर्स के अकॉर्डिंग मैं उसके अंदर मतलब डिफरेंट चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर एट लास्ट मैं यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ। तो देख लेते हैं पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं डेटा का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो एक्स इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द इनपुट फीचर, यहाँ पर अच्छा है, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ ले आता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए यहाँ से इसको, उठा यहाँ ले आए।
ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, सो यहां पर ये जो एक्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इनपुट फीचर। ये एक इनपुट फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच जो रो है इसके अंदर, हर एक जो रो है इसके अंदर, जो रो हो गई मतलब बेसिकली ये जो है 2915, 2 9, थोड़ा सा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 9 1 5 3 6। तो ये एक्स वन हो गया, एक्स टू हो गया, एक्स थ्री हो गया। ट्रेनिंग एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, हमारे पास में दो इनपुट्स हमें प्रोवाइड करने हैं और ये ट्रेनिंग एग्जाम्पल है। अगर 2 9 देंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास में, 92। अगर 1 5 देंगे तो 86 आ रहा है। अगर 3 6 देंगे तो 89 आ रहा है। तो ये हमने ट्रेनिंग एग्जाम्पल इसके लिए तैयार किया, ठीक है। फिर वाई इज अ मैट्रिक्स, ये हमारी वाई मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, अरे फॉर्म में है, फ्लोट फॉर्म में है, ठीक है। सो ये आउटपुट लेबल्स को, जो हर एक रो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ट्रेनिंग एग्जाम्पल के साथ में, उसका लेबल, ईच कॉलम कॉरेस्पॉन्ड टू द आउटपुट। सो 2 9 से एसोसिएटेड है 92, 1 5 से एसोसिएटेड है 86, 3 6 से एसोसिएटेड है 89। फिर एक्स एंड वाई आर नॉर्मलाइज्ड बाय डिवाइडिंग देम बाय द मैक्सिमम वैल्यू अलोंग ईच कॉलम, है ना। सो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, एक्स में से मैक्सिमम क्या है उसको, और फिर बाद में डिवाइड कर दिया हर एक उसमें, मतलब अलोंग ईच कॉलम, हर एक कॉलम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया मैंने। डिवाइड कर दिया तो ये नॉर्मलाइज्ड हो गया बेसिकली, इसकी एक रेंज, प्रॉपर रेंज बन गई, एक एक ही रेंज में वो काम कर रहा है, ठीक है। सो स्केलिंग वाई डिवाइडेड बाय बाय डिवाइडिंग इट 100, और वाई को हमने सीधे से 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 100 से डिवाइड हो गया वाई, तो ठीक है आपका। तो ये हो जाएगा आपका वाई वाला पोर्शन, तो हो जाएगा आपका जैसे 0.92, 0.86 और 0.89। और यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हम किए कि एक्स में से मैक्सिमम, हर बार मैक्सिमम निकाल कर, उसका मैक्सिमम निकाल कर वैल्यू ईच कॉलम, हर एक कॉलम में से, और फिर बाद में उसको हमने डिवाइड कर दिया उससे। तो यहाँ पर 3 है तो डिवाइड बाय 3 3 3, यहाँ पर 9 है, 9 9, यहाँ पर आ जाए 1 0.33, और ये यहाँ पर भी 1। उस हिसाब से आपने देखा कि 0 से लेकर 1 तक के में ये वैल्यू एडजस्ट हो गई, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू में ये एडजस्ट हो गया आपका। तो इसे कहते हैं नॉर्मलाइज करना। इससे फायदा बहुत कुछ होता है, जब हम बड़े लेवल पे कंपटीशन कर रहे होते हैं इसमें फायदा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मिन मैक्स तरीका भी है इसका, इसको नॉर्मलाइज करने का, और नॉर्मलाइजेशन फीचर, इसको बेसिकली फीचर स्केलिंग भी बोलते हैं। मिन मैक्स एक तरीका हो गया इसका, और दूसरा तरीका है इसका आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, जेड स्कोर्स की मदद से भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो आपने जेड स्कोर देखा ही होगा, तो इसको नॉर्मलाइज करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये हो गया आपका इतना इतना कोड का मतलब, ठीक है। सबसे पहले आपने डेटा ले लिया, डेटा को फिर बाद में नॉर्मलाइज भी कर लिया आपने, ठीक है। चलिए अगली अगले उसमें क्या करते हैं, सिग्मोइड फंक्शन को समझते हैं। सिग्मोइड और डेरिवेटिव फंक्शन को यहाँ पर लेके आते हैं, ये लो भैया, Ctrl+C। अरे यार, तो ये हो गया हमारा सिग्मोइड फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन क्या कर रहा है, हमें पता है सिग्मोइड फंक्शन कुछ नहीं, सिग्मोइड जो है उसकी क्या होती है इक्वेशन, वो वाई इक्वल टू 1 + e की पावर -y, वो -x, ठीक है। सो जो भी हम x भेजेंगे यहाँ पर, कुछ भी x की वैल्यू भेजेंगे, वो उसको इस फॉर्मूले में डालकर रिटर्न कर देगा, जो कि एक बाइनरी फॉर्म में अपनों को आंसर देगा, या तो 0 या तो 1, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड फंक्शन, डेरिवेटिव निकालने का मतलब कारण क्या है,
कि इट कंप्यूट्स एक्टिवेशन, दिस इज बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन फॉर एक्स, एंड डेरिवेटिव सिग्मॉइड फंक्शन कंप्यूट्स द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इनपुट्स एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब वेट्स को बेसिकली ये बैक प्रोपोगेशन में काम आता है, ठीक है। फिर हमारे पास में है, अच्छा डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, डेरिवेटिव में ये है एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट, ठीक है। सो आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट, डेरिवेटिव ऑफ सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर सीकिंग फॉर। सो आउटपुट इंटू 1 माइनस आउटपुट, तो वट एवर द आउटपुट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आउटपुट, दिस इज अ डेरिवेटिव। ओके, देन वी हैव न्यूरल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। न्यूरल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, चलो इसका हम थोड़ा सा यहाँ से उठा लेते हैं ये वाला को। यहाँ तक Ctrl+C और यहाँ लेके चलो इसको। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इसको यहीं पे समझा कर और फिर बाद में वहीं पे आपको दिखाता हूँ। सो इसमें क्या कर रहे हैं हम, न्यूरल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट लेयर है हमारे पास में, हिडन न्यूरॉन है एंड आउटपुट न्यूरॉन है। ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द इनपुट हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर्स को बता रहे हैं। कि इनपुट लेयर न्यूरॉन्स तो ये बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स कितने हैं, बेसिकली यहाँ से हम कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हमारे पास में, मतलब कौन कौन से आट्रीब्यूट्स के जरिए अपन इनपुट्स को दे रहे हैं। फिर हमारे पास में हिडन लेयर, नंबर ऑफ हिडन लेयर कितनी है, तो ये कितनी हिडन लेयर्स यहाँ पर बना रहे हैं हम, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स कितनी है हमारे पास में। और अगला जो है वो है आउटपुट न्यूरॉन, कि आउटपुट में कितने आउटपुट्स आएंगे। तो हमने यहाँ पर डिसाइड किया है हमारे कोड में कि भैया ये देखिए, इनपुट न्यूरॉन की साइज है 2, हिडन न्यूरॉन्स की है 3 और आउटपुट की है 1। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर 2, 3 और 1 कर देता हूँ। वेट मैट्रिक्स WH और WI, डब्ल्यू आउट रिप्रेजेंट्स द वेट कनेक्ट कनेक्टिंग टू द कनेक्टिंग द इनपुट लेयर ऑफ टू द हिडन लेयर एंड द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर। तो WH तो इनपुट लेयर, WH तो किसको, वेट कनेक्टिंग टू द इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अब देखिए, यहां से जो कनेक्ट हो रहा है उसको हम WH बोलते हैं और यहां से जो कनेक्ट हो रहा है उसको W आउट बोल रहे हैं। जो हिडन लेयर और आउटपुट के बीच बिटवीन जो कनेक्टेड है वेट, उसको हम W आउट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनपुट और हिडन से कनेक्टेड है उसको ये WH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो इसको WH, WH एंड दिस इज W आउट, ये हिडन लेयर होगी हमारी, बीच की लेयर हिडन लेयर और ये आउटपुट लेयर, ठीक है। सो W आउट रिप्रेजेंट्स दी हिडन लेयर टू आउटपुट लेयर कनेक्टिविटी एंड WH कनेक्ट्स टू कनेक्टिंग दी इनपुट लेयर टू दी हिडन लेयर्स, ओके रेस्पेक्टिवली। एंड बायस वेक्टर हो गया BH, अब हमें एक बायस की भी जरूरत होती है, तो BH तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, इनपुट टू हिडन, इनपुट टू हिडन एंड
बी आउट हिडन टू आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हमारे पास में ट्रेनिंग पैरामीटर में हमने नंबर ऑफ ट्रेनिंग इटरेशंस को इपोक से दिखाया, और लर्निंग रेट हमें जो पता ही है, लर्निंग रेट हमें सिग्मा उसमें ग्रेडियंट में चाहिए होती है, जो कि हमें दिखाती है कितनी स्पीड से हम लर्न कर रहे हैं, तो ये लर्निंग रेट हो गई। ट्रेनिंग लूप में हमें क्या है, द कोड रन्स ऑन अ लूप फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ इपोक्स और इटरेशंस इन ईच इपोक, इट परफॉर्म्स फॉरवर्ड प्रोपिगेशन टू कंप्यूट द प्रेडिक्टेड आउटपुट, इफ देन कैलकुलेट कैलकुलेट्स द एरर, अगर ये एरर कैलकुलेट करता है एंड परफॉर्म, तो वो परफॉर्म करेगा बैकवर्ड प्रोपिगेशन टू अपडेट द वेट्स एंड बायसेस यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करते हुए वो ये ऐसा करेगा। मैंने आपको बता ही दिया था ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, ठीक है। सो चलिए कोड को देखते हैं, इसमें ग्रेडियंट डिसेंट्स के बारे में, फॉरवर्ड प्रोपिगेशन में क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है, इनपुट ले रहा है और इनपुट के साथ में बायस को अटैच कर दे रहा है, ठीक है। इनपुट और बीएच आपको बताया था, इनपुट से लेकर हिडन तक के बीच में जो बायस है उसकी बात कर रहा है। सो इसको हमने हिडन इनपुट, हिडन लेयर के लिए एक इनपुट हमने बनाया, तो क्या किया, डॉट निकाल लिया, डॉट ऑफ एक्स और डब्ल्यू एच का डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास में जो एक्स मैट्रिक्स थी, बेसिकली हमारे पास में मैट्रिक्स है, मान लीजिए, अरे यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास में क्या हो रहा है, सपोज एक हमारे पास में टू और थ्री करके एक इनपुट है, तो इसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज वेट है मेरा वन या टू एज एन एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, एक बार इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट करके उसका समेशन हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ना, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। जैसा कि आपको पता है कि जैसे दो मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को, मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास में है वन टू थ्री फोर, तो मैं पहले इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके और इसका समेशन निकाल दूंगा, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है सी आई जे इक्वल टू वन से लेकर एन ए आई के डॉट बी के जे, ठीक है, इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होकर और उनका समेशन होता जाता है। सो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो गया मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने डॉट प्रोडक्ट किया बेसिकली, तो समेशन निकालने के लिए समेशन करके उसका एज ए इनपुट देना है। और इसके बाद में ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इसको मैं एक्स आई और डब्ल्यू आई का समेशन बोल रहा हूँ मैं, तो इनपुट में क्या जाएगा, एक्स आई और डब्ल्यू आई का समेशन, और फिर बाद में उसके साथ में हिडन लेयर जो बायस है वो मैं चिपका दूंगा, ठीक है। तो वही हो रहा है, यहाँ पर इनपुट के साथ में फिर बाद में बायस डाल दिया, फिर बाद में जो भी ये इनपुट आया इसको मैंने ऐसे इनपुट सिग्मॉइड फंक्शन में डाला, फॉर लूप में चला रहे हैं इपॉक में, सिग्मॉइड फंक्शन में डाला, सिग्मॉइड फंक्शन ने इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया, जीरो या वन में। अब हमने क्या किया, इन आउटपुट जो इनपुट है, आउटपुट इनपुट के लिए तैयार किया, ये जो हिडन एक्ट जो जो भी ये वैल्यू आई और वेट आउटपुट है उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला मैंने, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल कर फिर बाद में इसका बायस इसके साथ में अटैच किया, फिर से इसका मैंने आउटपुट वो बनाया, क्या इसको आउटपुट में इसका सिग्मॉइड फंक्शन फिर से निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए हिडन लेयर्स कितनी है हमारे पास में, थ्री, इनपुट कितने हैं, दो न्यूरॉन्स और एक न्यूरॉन आउटपुट है, यहाँ से ये आ गया। अब मैं एरर देखूंगा, जो एक्चुअल वैल्यू है वाई की और आउटपुट है, क्या वो सेम है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई और आउटपुट, अगर इसके अंदर कोई एरर है, अगर इट कंसिस्ट एनी एरर, सो आउटपुट अपग्रेड करूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट डालूंगा मैं, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट डालूंगा और डी आउटपुट में बेसिकली एरर को, ये जो आउटपुट अपग्रेड करके मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा एरर को,
तो ये हमें पता है क्या होता है, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गो होती है, और फिर बाद में ये डी आउटपुट को इसका डॉट प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डब्ल्यू आउटपुट और डॉट टी के साथ में, ठीक है, जो भी हमारा वेटेड आउटपुट है उसको अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। सो हाउ मच हिडन लेयर विद रेस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूटेड टू एरर्स, हिडन जो लेयर है वो अपग्रेड हो जाएगी अलोंग विद डेरिवेटिव्स सिग्मॉइड, एंड इट विल अपग्रेड विद हिडन लेयर्स एक्ट्स, है ना, एंड देन वी हैव डेरिवेटिव हिडन लेयर अलोंग विद दैट अपग्रेड वर्जन। सो दिस इज हाउ वी डू सो, लाइक आउटपुट वेट प्लस वेटेड आउटपुट प्लस हिडन लेयर एक्ट डॉट टी डॉट डॉट डी आउटपुट इनटू लर्निंग रेट, ठीक है, एंड देन दिस इज आउटपुट वेट एंड दिस इज हिडन एंड इनपुट लेयर वेट, इसको हम बार बार में अपग्रेड करते रहेंगे, और जैसे ही अपग्रेड करने के बाद में हमारा इनपुट लेयर को हम प्रिडिक्ट करेंगे, एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट बेस्ड ऑन दिस इनपुट वो क्या होगा, हम वो कंपेयर करेंगे। सो ये देखिए, मैं कोड चला के दिखाता हूँ आपको। सो देखिए, हमारे पास में एज ए इनपुट मैंने डाला 0.661 पे ये आउटपुट आता, मतलब बेसिकली मैंने इसका क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन किया है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए 0.33 और 1, यहाँ पर 1, 0.55 और 0.66, इस तरीके से मैंने एक इनपुट दिया और इससे एसोसिएटेड ये नॉर्मलाइज्ड आउटपुट है। प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है इसकी, 0.98, ठीक है, और 0.88 और 0.89, तो आप देख रहे हो लगभग 89 सही है, ये 86 पॉइंट का कुछ एक दो नंबर का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी एक आधे नंबर का डिफरेंस है। दूसरे इपॉक में, दूसरी बारी में आप देखोगे, सो इनपुट है मेरे पास, अच्छा ये वही है, ठीक है, सो इस तरीके से काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया, अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा और आउटपुट आप चेंज कर करके देख लीजिए, मैं इसको वो जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसके ऊपर ट्रेन करवाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ट्रेन करवाता हूँ, 0 1 1, ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 0 एंड 0 एंड 1 0 एंड 1, ओके, एंड मैं इसे एसोसिएटेड वैल्यूज डाल देता हूँ 1 0 एंड 1, ओके, सो ये मैंने डाल दिया, ठीक है, और ये नॉर्मल स्केल में पहले से ही है, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, स्केलिंग, इसकी फर्दर स्केलिंग करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और एवरीथिंग विल बी सेम, सो लेट्स सी क्या हो गया भैया, ओके, अच्छा इसका नॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव करना चाहिए लग रहा है, क्यों, डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ में हो नहीं रहा है क्योंकि शेप थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, तो ठीक है मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, 1 1 की शेप में कर देता हूँ, ओके, डाल देता हूँ, ठीक है, 3 बाय 3 की नहीं लेके चलते, हाँ, तो यहाँ से इसका देखिए, सो मैं थोड़ा सा इसको भी हाइड कर देता हूँ, ये लीजिए आपका 0 1 1 0 1 1, इससे एसोसिएटेड ये आउटपुट्स थे, और इसके प्रेडिक्टेड आउटपुट भी यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर ये लगभग 0 के करीबन है, यहाँ पर ये 1 के करीबन है,
तो अगर मैं सिग्मॉइड फंक्शन यूज करके ही अगर मैं इसका आउटपुट जनरेट करूँ, आउटपुट में भी अगर मैं सिग्मॉइड फंक्शन के साथ में ही डालूँ, सो इट विल बी मोर बेटर टू मी टू डू सो. सो आउटपुट एक मैं फोर लूप डाल देता हूँ, फोर फोर आई इन आउटपुट एंड एल इक्वल टू, एक लिस्ट में स्टार्ट करता हूँ और वाई इक्वल टू सिग्मोइड फंक्शन में मैं ये आई डालूंगा, आई की वैल्यू डालूंगा और इसको मैं अपेंड कर दूंगा एल डॉट अपेंड विद ये, और मैं आउटपुट की जगह पर अब एल को प्रिंट करवाऊंगा. सो अब मैं देखता हूँ ये कितना कारगर रहा है. ओके नाउ इट शुड बी, इफ आई एम यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन सो ये तो ऐसा ही होना चाहिए था. मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. एक्चुअल आउटपुट एंड प्रिडिक्टेड आउटपुट, अरे नहीं. ओके सो दिस इज हाउ इट डज वर्क. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड अगर आप में आपको भी अगर इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं और आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये काम करता है. ये बहुत ही बेसिक मॉडल है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने का. सो आई होप आपको ये समझ में आया हो. मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश की है. इसका बैक प्रोपेगेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इस पर टाइम देते हो तो आपको ये भी समझ में आएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. आप इसमें से ये वाला पार्ट हटा दीजिए और आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखिए, आपको और चीज़ें समझ में आएगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग.